ये जानना चाहूंगी कि अभी जैसे कि कुछ डाइटरी हैबिट्स होती है, जैसे बाहर नहीं खाना है और आपने बताया कि अपने आप को हाइड्रेट रखना है, इसके साथ साथ ऐसे कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं कि हम मॉनसून आते ही हम वो अपनी लाइफ में ऐड करने लग जाएं तो हम इन बीमारियों से दूर रहें? हाँ बिल्कुल, अपने आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। एक तो यही कि आउटसाइड फूड को थोड़ा अवॉइड करें, वेंडर्स को चेक करें कि वो कहाँ पे उनके शॉप है, वो कैसे उनका फूड प्रिपरेशन कैसा है, बार बार वहाँ पे वो हाइजीनिक प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं, खुद भी देखें। जरूरी नहीं है कि सिर्फ खाने से हो, ये पानी से भी होता है, तो बाहर के पानी में भी है। अगर आप घर पे आपके पास फिल्टर वाटर नहीं आता है तो वाटर बॉयल करके उसको ऊपर भी यूज कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली डॉक्टर के पास आपको जाना ही पड़ेगा। साथ ही मैं जानना चाहूंगी कि ऐसा कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है जिसको टाइफाइड होता है या अपनी किसी को भी हो सकता है? ये किसी को भी हो सकता है, ज्यादा कॉमन होता है यंग चिल्ड्रन, यंग एडल्ट्स में। जो वेरी यंग चिल्ड्रन है या वेरी ओल्ड एज उनमें इंसिडेंसेस थोड़े कम देखे गए, लेकिन इन यंग चिल्ड्रन एडल्ट्स यंग एडल्ट्स में ज्यादा रहता है। वो डिपेंड उस पर भी डिपेंड करता है बिकॉज उनकी फूडिंग हैबिट थोड़ी ऑर्गेनिक ज्यादा होती है, थोड़ा केयरलेसनेस ज्यादा होती है उन लोगों में, इस वजह से भी हो सकता है। अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस भी होती हैं जिसमें कि प्रॉपर हैंड वॉश, फूड को वॉश करना, ये सब चीजें नहीं हो पाती, तो इन कारण से भी इस ग्रुप में पड़ता है। अदरवाइज टाइफाइड किसी एक ग्रुप पे स्पेयर नहीं करता है, किसी जेंडर पे स्पेयर नहीं करता है, इट्स नॉट टोटली वाइज। ओके, तो मतलब किसी को भी हो सकता है, इनफैक्ट अगर बेबी हुआ है तो उसको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है? जी बिल्कुल, बेबी को भी हो सकती है, प्रेग्नेंट लेडी को भी हो सकती है, ब्रेस्टफीडिंग मदर को भी हो सकती है, ब्रेस्टफीडिंग बेबी को भी हो सकती है। सर अगर बात करें कुछ मिसकंसेप्शन की, कुछ मिथ्स, क्योंकि हर बीमारी को लेकर ना कुछ ना कुछ मिथ्स होते ही है, तो आप रोज टैकल करते हो, तो ऐसे कुछ मिथ्स और मिसकंसेप्शन है जो आप एड्रेस करना चाहेंगे? हाँ, एक मिसकंसेप्शन है, जैसे लोगों को लगता है कि टाइफाइड में जो बहुत पॉपुलर टेस्ट है विडाल टेस्ट, जिसके बारे में लोग बोलते हैं विडाल कराया, विडाल वीक पॉजिटिव था या स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव था या पॉजिटिव ही रह गया। तो देखिए, जो भी टाइफाइड के टेस्ट हैं, सब टेस्ट की हर ड्यूरेशन पे, हर टाइम बीइंग पे उनकी एक अपनी रिलायबिलिटी है, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी है। फर्स्ट वीक में आपके जो जो फिजियोलॉजी टेस्ट हैं, जैसे टाइपी डॉट हो गया, ब्लड कल्चर हो गया, स्टूल कल्चर हो गया या बोन मैरो कल्चर हो गया, ये बहुत स्पेसिफिक है। आपका जो विडाल टेस्ट है, यूजली 7 डेज के बाद उसमें हमें टाइटर राइजिंग देखना होता है, और उसको भी हमें कंपेयर करना होता है 7 से 14 डेज पे कि ये टाइटर राइजिंग है कि नहीं, क्योंकि ये अदर नॉन टाइफाइड कंडीशन में भी पॉजिटिव हो जाता है, जैसा हमने कोविड में देखा था। Okay. कि बहुत सारे पोस्ट कोविड पेशेंट्स में हमने देखा था कि टाइफाइड का स्पेशली विडाल टेस्ट काफी दिनों तक पॉजिटिव रिएक्टिव रह जाता था, और बहुत सारे डॉक्टरों ने भी ये किया कि उन्होंने बहुत दिनों तक टाइफाइड का ट्रीटमेंट करते थे, जो कि एक्चुअली ये क्रॉस रिएक्टिव टेस्ट था। पेशेंट को टाइफाइड की जो जांच है या टाइफाइड की डायग्नोसिस है, जो सिर्फ टेस्ट से नहीं बनती है, सिर्फ क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं बनती है, दोनों चीजों को ध्यान रखना होता है, और इसी से हमें पता चलता है, क्योंकि इसके बहुत स्पेसिफिक लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, और हर एक सिम्टम का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, उसी समय वो अपीयर होते हैं और उसके बाद फिर दूसरे सिम्टम्स आते हैं। तो अगर आपने मरीज से अच्छे से बात की, उसका हिस्ट्री प्रॉपर से लिया, अच्छे से एग्जामिनेशन किया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्लिनिकली आप श्योर हो सकते हैं कि ये टाइफाइड हो सकता है, कंफर्म करने के लिए फॉर टाइम फ्रेम के हिसाब से उनके टेस्ट करा के कंफर्म कर सकते हैं। सर अगर ट्रीटमेंट्स की बात करें, क्योंकि अभी हम सारे बात कर ही रहे हैं, तो कौन कौन से ट्रीटमेंट्स अभी अवेलेबल है? ट्रीटमेंट्स में एंटीबायोटिक्स हैं अवेलेबल जो बहुत इफेक्टिव हैं, ऑल्दो रेजिस्टेंस केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। जो इनिशियली हमारी इकोट्राइमेथोलोन, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, ये जो एंटीबायोटिक्स होती थी, क्लोरामफेनिकॉल, ये हमें बहुत इफेक्टिव होती थी, अब उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस काफी हद तक है। उसके बाद क्विनोलोन्स आ गए, जिसमें ओफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ये काफी इफेक्टिव हुआ करती थी, अब उनके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस आ रहा है। तो थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिंस हैं, जो ओरल या आईवी फॉर्म में देते हैं, एजिथ्रोमाइसिन है। सो ये डिपेंड करता है कितना रेजिस्टेंट केसेस हैं और कितना रेशनली हम एंटीबायोटिक्स को यूज कर रहे हैं। प्रॉब्लम इंडिया में यही हो रही है, इंडिया में नहीं, इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, कि इम्प्रॉपर यूज ऑफ एंटीबायोटिक, रॉन्ग एंटीबायोटिक, रॉन्ग डोज, रॉन्ग ड्यूरेशन अगर कर रहे हैं, तो आप अल्टीमेटली आप एक लेवल पे आ जाएंगे जहाँ पे आपके एंटीबायोटिक्स का रोल खत्म हो जाएगा। यू विल हैव टू रिलाई ऑन योर बॉडी ओनली। सर जैसा आपने बताया नहीं कि अगर टाइफाइड से आपको दूर रहना है तो कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी जैसे कि कुछ डाइटरी हैबिट्स होती है, जैसे बाहर नहीं खाना है और आपने बताया कि अपने आप को हाइड्रेट रखना है, इसके साथ साथ ऐसे कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं कि हम मॉनसून आते ही
हम वो अपनी लाइफ में ऐड करने लग जाए तो हम इन बीमारियों से दूर रहें। हाँ बिल्कुल, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। एक तो ये कि आउटसाइड फूड को थोड़ा अवॉइड करें, वेंडर्स को चेक करें कि वो कहाँ पे उनके शॉप है, वो कैसे लोग उनका फूड प्रिपरेशन कैसा है, बार बार वहाँ पे वो हाइजीनिक प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं, खुद भी देखें। जरूरी नहीं है कि सिर्फ खाने से हो, ये पानी से भी होता है, तो बाहर के पानी में भी है। अगर आप घर पे आपके पास फिल्टर वाटर नहीं आता है तो वाटर बॉयल करके उसको कुक करके यूज कर सकते हैं। अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस ऐसे ला सकते हैं कि हैवी थिंग्स को अवॉइड करना चाहिए, और कोशिश करें कि अगर आप फल या सब्जियाँ बाहर से ला रहे हैं तो उनको भी वॉश करके यूज करें। अपने घर में सभी को लिक्विड करें हैंड हाइजीन, बिकॉज टाइफाइड इज यूजली अ डिजीज ऑफ सैनिटेशन। कोशिश करना कि हम बाहर से बाहर की चीजों को या जो अनसुपरवाइज्ड आइटम है, अनक्लीन आइटम, उनका कंजम्पशन कम से कम करें। और अगर हमें कुछ भी ऐसा लगता है, हाइड्रेशन शुरू करें, फीवर है तो पैरासिटामोल लें या टेम्परेचर कंट्रोल करें। और अगर हमारे सिम्टम्स बढ़ रहे हैं या लग रहा है कि हमें कुछ चीज रहते हैं तो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से संपर्क करें, सो दैट आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट। जैसे मैंने बताया कि इनिशियली फर्स्ट वीक में सिम्टम्स सिर्फ फीवर के हो सकते हैं, हल्के फुल्के ठंड लग सकती है, आपको वीकनेस फील होगी, थोड़ा सा पोटेड टंग आपको लगेगा क्योंकि आपकी थिक हो रही है, भूख थोड़ी कम होने लगती है, जनरलाइज वीकनेस शुरू होती है। ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं और वो रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं अपने पैराग्राफ। और बेसिक सी बात है कि स्टेप लैडर पैटर्न ऑफ फीवर है, आपका हर बार फीवर आ रहा है 99, फिर देन 100, देन 101, नेवर टचिंग योर बेस लाइन। तो उसके अलावा ये सिम्टम्स हैं और वो परसिस्ट कर रहे हैं, नहीं रिजॉल्व हो रहे हैं। Either it is because of typhoid or it is because your body is not able to control it, then definitely you should contact your doctor और उनसे संपर्क करें। Treatment इसका बहुत effective है, अभी की ड्रेट में जो antibiotics हैं उनका effect बहुत अच्छा है, but उनकी dose, duration and selection of antibiotics should be proper. ओके, और उसके लिए आपको करना पड़ेगा डॉक्टर से कंसल्ट। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे लगता है कि हमारे जो ऑडियंस है, व्यूअर्स है, उनको बहुत ज्यादा अवेयरनेस मिली होगी टाइफाइड को लेकर। सो थैंक यू सो मच फॉर